हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतीमन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका जो है वो आंसर आप लोग सोचिएगा, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक था? बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक था? तो इसका सही आंसर है धाकड़ जाति। बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान का योगदान जो है वो सर्वाधिक रहा। क्वेश्चन 2 देखें। किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने किया? किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वह स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया? तो प्रथम चरण जो कि 1897 से 1915 तक जो चला, तो यहां पर नेतृत्व करने वाले थे वहां की जनता, वहां के स्थानीय लोग, कहां के? बिजोलिया के। क्वेश्चन 3 देखें। बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब और किस चरण में जुड़ा? बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब और किस चरण में जुड़ा? तो यह दूसरे चरण में, जो कि 1915 से लेकर 1923 तक चला। ठीक है, तो इस समय जो है इसका जो संचालन है वो राष्ट्रीय स्तर के जो योग्य अनुभवी व्यक्ति जो थे उनके द्वारा किया गया और यह राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी गई? बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी गई? तो वह चरण था तीसरा चरण, जो कि 1923 से प्रारंभ हुआ और 1941 में जाकर समाप्त हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई? बिजोलिया किसान आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई? तो ये प्रारंभ होता है बिजोलिया के एक गांव से, गिरधरपुरा गांव। याद रखिएगा, एग्जाम में गिरधारीपुर इस तरीके से भी नाम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये था गिरधरपुरा गांव। चंवरी कर किसके द्वारा शुरू किया गया? चंवरी कर क्या है? पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला एक कर। तो ये किसके समय जो है वो प्रारंभ किया गया था? तो इसको प्रारंभ करने वाला था राव कृष्ण सिंह, जिसने 1903 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया था? विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया था? तो इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको एग्जाम जब आप देंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि हमने कितने अच्छे क्वेश्चन जो है वो उनको याद किया और ऐसे ही उठकर जो है वो हमारे एग्जाम में आ गए। तलवार बंधाई कर किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसान आंदोलन जब हुआ बिजोलिया में, तो वहां पर तलवार बंधाई कर किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो चंवरी कर, जो कि कृष्ण सिंह जो था उसके द्वारा प्रारंभ किया गया, और पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंधाई कर प्रारंभ किया गया 1906 ईस्वी में। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1917 ईस्वी में की गई थी, हरियाली अमावस के दिन। ठीक है, 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की जो है वो स्थापना की गई थी। विजय सिंह पथिक को ऊपर माल के किसानों के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया? विजय सिंह पथिक को ऊपर माल के किसानों के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया? तो इन्हें ये लोग जो है वो महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। ऊपर माल पंच बोर्ड जो है जहां स्थापना होती है, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं लोगों में, और यहाँ के जो निवासी हैं इनको महात्मा जी कहकर बुलाते हैं। किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो प्रताप नामक जो समाचार पत्र था, इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसने बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। गांधी जी ने किसे ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? गांधी जी ने
ऊपर माल के किसानों की जो स्थिति खराब थी, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, उसकी जांच करने बिजोलिया जो है वो किसे भेजा? तो गांधी जी ने भेजा महादेव भाई को। किसे भेजा था? महादेव भाई को भेजा था कि ऊपर माल के जो किसान हैं उनकी स्थिति की जो है वो जांच करके आए। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने भेजा गया? 1941 में जो बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ, तो वो एक समझौते के दौरान जो है वो उसकी समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर के जो मेवाड़ के जो दीवान थे टी विजय राघवाचार्य, इनकी तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया? तो यहाँ भेजा गया राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। किसे भेजा गया? राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो बेंगू किसान आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है भेरुकुंड मेनाल से। 1921 ईस्वी जो है बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ का ही है। तो ये आंदोलन जो है इसका नेतृत्व करने वाले थे राम नारायण चौधरी, ठीक है। तो राम नारायण चौधरी की पत्नी का क्या नाम है, हमने जो है वो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राम नारायण चौधरी की पत्नी का क्या नाम था। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे राम नारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संज्ञा मिली? बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने देखा, एक था कृष्ण सिंह जिसने कि 1903 में चौरी कर लगाया, दूसरा था राव पृथ्वी सिंह जिसने 1906 में जो है तलवार बंधाई कर लगाया, और तीसरा यहाँ पर देखिए बेंगू किसान आंदोलन में जो यहाँ पर ठाकुर है अनूप सिंह। अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में समझौते को क्या संज्ञा दी गई? इसे दिया गया बोल्शेविक समझौते की संज्ञा। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? रूपा जी और कृपा जी धाकड़, तो ये संबंधित रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन से। किससे संबंधित थे? ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे रूपा जी और कृपा जी धाकड़, ठीक है। तो ये इनको जो है गोलियों से भून दिया गया था और ये शहीद हो गए थे। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो भौजी लंबरदार ने किया 1931 में। मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने प्रदान किया? मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप जो है वह किसने प्रदान किया? तो 1932 में मोहम्मद हादी ने, 1932 में मोहम्मद हादी ने मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप प्रदान किया। मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की? मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की? तो इन्होंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक एक संस्था है, इसे इन्होंने स्थापित किया, ठीक है। मेव किसान आंदोलन जो कहाँ हुआ, अलवर में, इसका नेतृत्व किसने किया? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया चौधरी यासीन खान ने। किसने किया? चौधरी यासीन खान ने किया। नीमूचड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ 1921 में स्टार्ट हुआ, वहां पर नीमूचड़ा हत्याकांड हुआ 1925 में, ठीक है। 14 मई 1925 को नीमूचड़ा हत्याकांड हुआ। क्वेश्चन 23 देखिए, बूंदी राज्य के किस क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया? तो यहाँ पर किस क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया बूंदी राज्य में? तो बरण क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आंदोलन किया। कारण वही था कि ऊंची जो है बेगार लेना, ऊंची दर जो है वो लगान की लेना। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? नेतृत्वकर्ता कौन थे बूंदी किसान आंदोलन के? तो पंडित नैनू राम, या जिन्हें हम नैनू राम, दोनों ही देखिए, नैनू राम या नैनू राम, इन्होंने किया था नेतृत्व बूंदी किसान आंदोलन का।
बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठी चार्ज किया गया? बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठी चार्ज किया गया? तो यहां पर डाबी जो गांव है, तो डाबी गांव में जो है जो सभा हो रही थी वहां पर लाठी चार्ज हुआ था बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। डाबी गांव में हुए लाठी चार्ज से कौन शहीद हुए? डाबी गांव में हुए लाठी चार्ज से कौन शहीद हुए? तो यहां नानक भील और देवलाल गुर्जर जो है वो शहीद हुए। क्वेश्चन जो है वो मैं यहां दो बार पढ़ती हूं, आंसर दो बार बताती हूं ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये याद हो सके। क्वेश्चन 27 देखिए, सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो वो थी धापी दादी। डावड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? डावड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है डावड़ा कांड। ठीक है, याद रखें डावड़ा कांड जो है वह है किससे संबंधित है? मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। डावड़ा गांव कहां पर है? डावड़ा गांव कहां पर है? तो ये जो गांव है वह डीरवाना परगना यहां स्थित है। सीकर में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कब किया गया? सीकर में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कब किया गया? तो यहां पर 20 से 29 जनवरी 1934 को विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई? बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई? तो 1937 में उदरासर के किसानों ने जागीरदार के खिलाफ आवाज उठाई बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में उदरासर के किसानों ने जागीरदार के खिलाफ आवाज 1937 में उठाई। दुधवा खारा या चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? तो दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व तो करने वाले थे हनुमान सिंह। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया? हनुमान सिंह ने किया। क्वेश्चन 33 देखिए, किस सभा के संघर्ष के दौरान रायसिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हुए? किस सभा के संघर्ष के दौरान रायसिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हुए? तो ये प्रजा परिषद 1 जुलाई 1946 को जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है रायसिंह नगर में जो पुलिस कार्रवाई होती है तो इसमें बीरबल सिंह जो है वो शहीद हो जाते हैं। बीकानेर में परंपरागत लाग बाग बेगार प्रथा का जो सर्वप्रथम विरोध किसने किया? बीकानेर में जो परंपरागत लाग बाग बेगार चल रही थी तो इसका सर्वप्रथम विरोध करने वाले थे कुंभा राय आर्य। कौन थे? कुंभा राय आर्य, कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना जो है वह कौन सी है? तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है किसान यूनियन क्यों। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? कुंभाराम आर्य की किसान यूनियन क्यों। किस किसान हत्याकांड की तुलना गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की? किस किसान आंदोलन की तुलना जो है वो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की? नीमू चढ़ा हत्याकांड। ठीक है, नीमू चढ़ा हत्याकांड जो कि कहाँ? अलवर में हुआ, तो अलवर किसान आंदोलन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जो कि 1925 में हुआ। तो इसकी जो है तुलना करते हैं गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड से, उससे भी ज्यादा भयानक इसको बताते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर बनाए। 36 क्वेश्चन जो कि आप लोग याद रखेंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर सकते, सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है इनको याद करिए, बार बार जो है वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। नहीं भी समझ में आते हैं तो आप लोग जो है वो चैप्टर को जो है वो पढ़िए और फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पर आइए। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।